हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि 5-6 ऐसी गलतियां जो आपको अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन के एग्जाम में, यानी आप किसी भी ईयर में, चाहे फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अपने एग्जाम दे रहे हैं, तो ये 6 गलतियां आपको अपने एग्जाम के अंदर नहीं करनी है। अगर ये 6 गलतियां आपने नहीं की तो यकीन मानिए गाइस बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। और इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो पॉइंट कौन से हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप अपने बीएड के एग्जाम दे रहे हैं किसी भी ईयर के, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। पिछले कम से कम 15 साल का जो है हमारा इस चीज को लेकर अनुभव है और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर कैसे ले लेते हैं। व्हाट्सएप जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बात क्या है वो पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मिल जाएगी। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी गलतियां जो बच्चे करते हैं वो आपको एग्जाम में नहीं करनी है, जिसकी बदौलत आपके बहुत अच्छे नंबर आपके एग्जाम में आएंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली जो गलती है बच्चे, जैसे आपके पास कोई भी बुक्स है गाइज, या किसी भी, चाहे वो आप बालाजी की बुक्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप लक्ष्मी की बुक पढ़ रहे हैं, या कोई भी बीएड की आप अगर बुक पढ़ रहे हैं, तो अपने एग्जाम के अंदर जब आप अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम देंगे तो उसका कंटेंट आपको, चाहे कितनी भी अच्छी तरह आपको क्वेश्चन आता हो, तो उसकी जो भाषा है वो एज इट इज आपको नहीं लिखनी है। क्योंकि एग्जामिनर्स जो होते हैं वो बहुत सारे पब्लिशर भी होते हैं और काफी पब्लिशर पब्लिकेशन हाउस में वो लोग काम भी करते हैं, तो उनको पता है कि ये कौन सी बुक की लैंग्वेज है। और एज इट इज लैंग्वेज अगर आप बुकिश लैंग्वेज लिखोगे तो कहीं ना कहीं क्या है, एग्जामिनर के माइंड में जाएगा कि आपने चीटिंग किया है, जिसकी बदौलत वो एग्जामिनर 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको अच्छे नंबर देने वाला था, तो वहीं 16 नंबर के क्वेश्चन में आपके जो नंबर है वो बहुत घट जाएंगे और आपका परसेंटेज बहुत कम बनेगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप पॉइंट्स को जरूर याद रखें, जो बुक के अंदर जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को अपनी भाषा में और अपने शब्दों में क्या है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, जो एग्जाम देने का सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन तरीका है, जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलता हूं। सेकंड क्या है, कोई भी क्वेश्चन देखिए, आपको पता है कि 9 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और पहला क्वेश्चन आपका कंपल्सरी है, बाकी हर यूनिट से 1 क्वेश्चन आपको करना है। तो पहली बात, कोई भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम के अंदर छोड़ना नहीं है। पहले अगर बाय चांस मान के चलो कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हो तो डेफिनेटली आपके नंबर कम हो जाएंगे। अगर मान के चलो कि आपको उसमें से टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, तो पहले जो 3 क्वेश्चन आते हैं आपके उनको आप करो और बाकी जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उसको छोड़ना नहीं है, उसको बना बना के कुछ पेजेस, कुछ पॉइंट्स आपको बनाने हैं, जिसकी मदद से एग्जामिनर जो है चेक कर ये समझ पाएगा कि बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आते थे, बट फिर भी बच्चे ने क्या है अपनी सूझबूझ से, अपनी मेंटल एस्पेक्ट से जो है इन क्वेश्चन को क्या है सोल्व करने की कोशिश की है, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और एग्जामिनर जो है मजबूर हो जाएगा आपको नंबर देने के लिए। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी एग्जाम के अंदर, बीएड के अंदर खासतौर से मैं बात कर रहा हूं, आपको अपना कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हर क्वेश्चन को क्या है आपको अटेम्प्ट करना है और उसी के हिसाब से क्या है आपको गाइस नंबर मिलेंगे और जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। अगला है, देखिए आपको पता है कि बीएड के अंदर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सबका एक जैसा रहता है, कोई अलग अलग कोड या अलग अलग जो है सेट नहीं होता है। तो आगे पीछे जो बच्चे बैठे होते हैं, कई बार क्या होता है, क्योंकि देखिए एग्जाम के ड्यूरिंग में बहुत सारे फ्रेंड्स हम लोगों के बन जाते हैं, या कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो भी क्या हमारे फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कई बार हमें जो है ना पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, हमें पता चलता है कि यार जो मेरे पीछे जो मेरा बच्चा स्टूडेंट जो बैठा हुआ है ना वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, या मेरे आगे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है वो भी बहुत अच्छा दोस्त है। तो आप क्या करते हो, बीच वाला जो बच्चा होता है वो क्या करता है, कभी आगे वाले की कॉपी कर लेता है, कभी पीछे वाले की कॉपी कर लेता है। इस कॉपी करने के सिस्टम में जिस बच्चों ने सेम अगर कॉपी की है तो वो मास कॉपी हो जाता है। मास कॉपी होने के बाद एग्जामिनर को पता होता है कि पूरे सेंटर के अंदर क्या है चीटिंग चली है, और खास तौर से इन बच्चों ने क्या है अपना जो एग्जाम है वो एक दूसरे का कॉपी किया है। तो जो बच्चा कॉपी करेगा वो तो फेल होगा, और जिस बच्चे की कॉपी की गई है
वो बच्चा भी डेफिनेटली फेल होने वाला, क्योंकि एग्जामिनर इस बात को समझेगा कि दोनों ने ही क्या है, चीटिंग की है। तो आपका कितना भी प्यारा दोस्त क्यों ना हो, कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो आपका, आप अपना एग्जाम थोड़ा सा छुपा के करें और कुछ पॉइंट्स आप अपने दोस्त को बता सकते हो। एज इट इज एग्जाम जो है वो आपको अपना किसी भी हाल में कॉपी नहीं होने देना है, जिसके कारण आप गाइज पूरे एग्जाम के अंदर फेल भी हो सकते हो और आपकी जो आपका एग्जाम है वो मास कॉपी के अंदर भी आ सकता है। तो इसीलिए अपनी सूझबूझ से एग्जाम लिखें, एक दूसरे की कॉपी या चीटिंग ना करें, आपका तो नुकसान है और साथ में दूसरे बंदे का भी क्या है, इससे नुकसान हो सकता है। अगला जो पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन गाइज आप लिख रहे हो, ठीक है, तो मैंने बताया कि उसको स्टोरिंग टेलिंग मेथड में आपको नहीं लिखना है। मान के चलो कि 16 नंबर का आपको क्वेश्चन लिख रहे हो, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, पर अगर आपने उसको स्टोरी के हिसाब से, कहानी के हिसाब से, उसमें कितने भी पेज अगर आपने भर दिए होंगे, तो एग्जामिनर आपको बहुत मिनिमम मार्क्स देगा। अब यहां पर आप ये चीज बोलोगे कि सर मिनिमम मार्क्स हम लोगों को क्यों मिलेंगे, क्योंकि यार आप एक बात खुद सोचिए कि आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, आपने बच्चों का टेस्ट लिया, ठीक है, या आपने कहीं एग्जाम चेक किए, एक तो आपको बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन नजर आए, उसको पढ़ने में भी आपको इजी लगेगा, और एक पूरी खिचड़ी आपने पका दी उसके अंदर क्या लिखा क्या नहीं, क्योंकि एग्जामिनर के पास, चेकर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर बच्चे के चेकिंग पॉइंट पे ध्यान दे, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सी बात है गाइस, मान के चलिए इंडिया के अंदर तो मैं खासतौर से बात करूंगा, बाकी मैं किसी कंट्री की बात नहीं कर रहा, कॉलेज और स्कूल लेवल पर एग्जाम ऐसे ही चेक किए जाते हैं, क्योंकि पर पेपर के हिसाब से क्या है, जो यूनिवर्सिटी है, जो स्कूल है, वो जो बोर्ड है, वो पर्टिकुलर टीचर को क्या पेमेंट करता है, और वो चाहता है कि मैक्सिमम जो पेपर है वो मैं चेक करूं और मैक्सिमम मेरे पैसे बने, उसे बच्चों को भविष्य से देखिए कोई खास लेना देना होता नहीं है, ये प्रैक्टिकली बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने जो पॉइंट्स बना रहे हो ना, वो पॉइंट्स बना के उसको हाईलाइट करो और सर्कल राउंड स्क्वायर कुछ भी आप बनाओ, ताकि एग्जामिनर को दूर से वो आपका आंसर दिखे और जो पॉइंट्स वो पढ़ना चाह रहा है और जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है वो ध्यान से पढ़े जा सके और उसी के हिसाब से वो आपको नंबर दे। तो स्टोरिंग टेलिंग मेथड में आपको बिल्कुल भी अपना आंसर जो है नहीं लिखना है, इससे आप नंबर कम होंगे और फेल भी आप हो सकते हो। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ है, अब मान के चलो आपको पता है कि माने पहले आपने क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर के अंदर पहले ये ऑब्जर्व करो कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको टिप्स पर आते हैं और जिसको आप बहुत आसानी से बिना किसी हेल्प के कर सकते हो, उनको पॉइंट आउट करो। वो पॉइंट आउट करने के बाद क्या है, मान ले सब कुछ करो कि आपको 9 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उन 3 क्वेश्चनों को आपको करना है और जो 2 क्वेश्चन नहीं आते, जो आपको 5 करने हैं 9 में से, उसको बाद में आप करेंगे, छोड़ के आप उनको भी नहीं आएंगे। जैसा तैसा आंसर आपको बनाना, आपको शीट भरनी है और पॉइंट्स हाईलाइट करने, बस उसके बाद एग्जामिनर आपको नंबर अच्छी तरह से दे सकता है, जिसमें आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जामिनर को थोड़ा सा पागल समझते हैं, बच्चों की कुछ मेंटेलिटी है। आपको पता है कि पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है और बाकी हर यूनिट से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है। कई बार मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को एक ही यूनिट के दोनों क्वेश्चन आते हैं, तो पहला बच्चा क्या करता है कि पहली जो मान ले फर्स्ट सेकंड यूनिट है, तो सेकंड यूनिट का जो क्वेश्चन उसको अच्छी तरह से आता है उसको तो वो पहले कर देगा और उसी यूनिट का क्वेश्चन जो उसको और भी अच्छी तरह से आता है वो उसको लास्ट में कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा अगर एक ही यूनिट के 2 क्वेश्चन अलग अलग जगह पे करता है, तो मान के चलिए एक क्वेश्चन का आपका कटने वाला है 101%। कभी आप ये सोच के चल रहे हो कि एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा और लास्ट में बीच में कहीं हम लोग सेट कर देंगे और हमारे नंबर आ जाएंगे। बच्चे अक्सर ये इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार उनको क्वेश्चन नहीं आते दूसरी यूनिट के। मैंने उनको बताया यार अपनी लैंग्वेज में आप रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंच चुके हो, आपकी टीचिंग का लेवल पर है, तो आप उनको अच्छी तरह से मेंशन नहीं कर पाते, बट फिर भी कोशिश कीजिए, बच्चे फिर भी हमारी बात नहीं सुनते। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि जो बच्चा थोड़ा स्मार्ट गेम प्ले करने की कोशिश करता है, एग्जामिनर उसको फेल कर देता है, जो बहुत दिक्कत आपके लिए होती है। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो डेफिनेटली आपको एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प करेंगे, और ये वाले पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए 80+ मार्क्स आपके एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है और 80% मार्क्स आपके कम से कम बन जाएंगे, जिस हिसाब से मैंने आपको गाइड किया है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपके लिए थोड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपनी कमेंट जो है SMS के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और कोई भी कमी होगी तो उसको जरूर हम लोग पूरा करेंगे। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना, थैंक यू सो मच।